उस पार चल दुनिया नहीं है बबल। पापा मैं आपको कैसे समझाऊं, उस आदमी में जरा गैरत नहीं है, पता आते जाते लोग छेड़ते हैं। पापा मुझे नहीं नबील को बोलते हैं कब तक ससुर के पैसों पे आशी करेगा, तो पता है क्या वो कहता है जवाब में? पापा वो कहता है कि मेरा तो कैरेक्टर वैसे ही हिट है तो मुझे काम करने की जरूरत ही नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पापा, आने दें आज नबील को, मैं उससे बात करती हूँ। ओहो पापा उसने कहाँ जाना है, पार्क में गया होगा लड़कियों को ताड़ने, और क्या करेगा। हाँ बस अब मैं फोन रख रही हूँ, ओके बाय पापा। जानू जानू मैं आ गया। कहाँ गए थे तुम? जानू वॉक करने गया था। नबील तुमने जिंदगी में कुछ नहीं करना। जानू कल तक मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन आज पार्क का माहौल देखकर मैंने ये फैसला किया कि मैं इसी वक्त वॉक करने जाया करूंगा। शराब नबील। क्यों जानू? यार अब तो तुम्हें मोहल्ले वाले भी नौकरी के ताने देने लगे यार। जानू जब मैं नौकरी ही नहीं करता तो वो ताने किस चीज के देते हैं? नौकरी ना करने के। लानत भेजो जानू मोहल्ले वालों पर, हमें किसी से क्या लेना। नबील तुमने नहीं लेना होगा शायद, मुझे तो लेना है ना। जानू तुमने बस सिर्फ अपने पापा से हर महीने का खर्चा लेना है। अब नहीं नबील, अरे कुछ तो शर्म करो यार, बेटी का साथ है, कल को रिश्ते आएंगे उसके, तो क्या बोलूंगी मैं उन्हें कि चांदी के पापा अपने ससुर के पैसों पे पलते हैं आज तक। जानू ये सिर्फ तुम हो जो ऐसा सोचती हो, मैं पापा जी को अपना ससुर नहीं अपना बाप समझता हूँ, सगा बाप। क्या बाप अपने बेटे पे पैसा नहीं लौटाता? नबील अब बहुत हो गया, मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रही हूँ, अब अगर तुमने नौकरी नहीं की ना तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। खूबसूरत। शराब नबील। ओके आज फिर बेइज्जती हो गई। अरे समझती क्या है अपने आप को, आज तो मैंने खड़े खड़े सुना के रख दी है, बहुत बेइज्जती की है। अच्छा लेकिन ज्यादा आवाजें तो खूबसूरत की आ रही थी चिल्लाने की। बस महमूद साहब बहुत हो गया, ये औरत मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गई है। अच्छा महमूद साहब मैं सोच रहा हूँ इसे तलाक देके दूसरी शादी करूँ। वो जो तुम दूसरी शादी करोगे वो खूबसूरत को तलाक देकर करोगे? यकीनन जी। महमूद साहब आप मेरे साथ है ना? भाई नबील ये तुम्हारा और उसका जाती मामला है, मुझे तो तुम इससे दूर ही रखो। हाँ यार अगर उसने तुम्हारे साथ साथ हमें भी घर से बाहर निकाल दिया और तो मैं इस उम्र में तुम्हारी बूढ़ी माँ को लेकर कहाँ धक्के खाता फिरूंगा यार। हाँ लेकिन अगर तुम्हारा प्लान कामयाब हो गया ना फिर मैं तुम्हारे साथ। जाए जाए देख लिया आपको, आप लोग सब पैसे के गुलाम हैं। आज खूबसूरत आप लोगों पे पैसा खर्च रही है तो आप सब उसकी जुबान बोल रहे हैं, जानता हूं मैं आप सबको। अरे नबील बात तो सुन। अरे नहीं सुननी मुझे, आप लोगों की बात नहीं सुननी, नहीं सुननी, नहीं सुननी। नबील नबील अरे नबील। माँ जी मुझे यार कोई लड़की नहीं मिल सकती? कहाँ पे? कहीं भी, मुझे शादी करनी है माँ जी। किसकी? और मुझे अपनी शादी करनी है माँ जी। ना बाल कटवाने की तेरे पास पैसे नहीं है तो शादी कैसे करेगा? माँ जी मैं कोई करोड़पति लड़की ढूंढ के ना उससे शादी करूंगा। शाबाश पुत्र, ये ले अखबार, बिस्मिल्लाह कर। थैंक यू माँ जी। एक अमीर बाप की खूबसूरत नौजवान लड़की को तलाश है खूबसूरत लड़के की। ओए पुत्र इसमें तो तू फिट नहीं आता, आगे पढ़। नकली जेवर पर सोने का पानी चढ़ाकर करोड़ों रुपए का फ्रॉड करने वाला ताजर फरार। पुलिस ने ताजर को पकड़ने वाले के लिए 2 लाख रुपए का इनाम अनाउंस कर दिया। और पढ़ के सुना। माँ जी मुझे काम मिल गया। अखबार पढ़ के सुनाने का? माँ जी ये खबर नहीं सुनी आपने, एक आदमी नकली जेवरात पर सोने का पानी चढ़ाकर बेच रहा है। तो तू उसे पकड़वा के पुलिस से अनाम वसूल करेगा क्या? वो कैसी बातें कर रही हैं माँ जी, आपकी भी महमूद साहब के साथ रहते रहते है ना सोच बिल्कुल छोटी हो गई है, मुंह बड़ा हो रहा है आपका। हाँ? और नहीं माँ जी मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैं भी क्यों ना यही काम शुरू कर दूँ। बंदे पकड़ने वाला नहीं, सोने के 40 जेवरात बनाने वाला। लानत है भाई तुझ पे, जरूरी तूने हर गंदे काम में अपनी वो अड़ानी है। वो क्या अकल? अकल तो तेरे पास है ही नहीं अपनी। वो क्या? वो ही जिसमें तू अपने जूते डालता है। अलमारी। लात मारूंगी तेरे मुँह पे। हाँ लात नहीं टांग, तूने जरूरी हर गंदे काम में अपनी टांग डालनी है। माँ जी अब मैं खूबसूरत को पैसे कमा कर दिखाऊंगा, उसके मोटे सांड बाप से ज्यादा अमीर बन के दिखाऊंगा उसे। उधर मुझे तेरी तबीयत को ठीक नहीं लग रही, जा जाके आराम कर। शाबाश। उड़ा ले मजाक माँ जी उड़ा ले, दुनिया के हर बड़े आदमी अजीम आदमी का पहले लोगों ने मजाक ही उड़ाया है, उसके बाद वो बड़ा आदमी बना है। हाँ लेकिन मैं आप सबको करोड़पति बन के दिखाऊंगा। एक सेकंड जरा। हेलो। और यार रिजवान अजमत यार ये बता आर्टिफिशियल ज्वेलरी किस रेट पे मिलती है यार? हैं? चल ठीक है राना, मैं बताता हूँ तुझे कितनी चाहिए, ठीक है? अल्लाह हाफिज। जानो जानो तुम भी क्या याद करोगी, मैंने काम करने का फैसला कर लिया। क्या काम? जानो काम, काम और बस काम। तुम सच बोल रहे हो नबील? हाँ। क्या काम करोगे? ये भी को पूछने की बात है जानू, मेरे जैसी पर्सनालिटी वाला आदमी नौकरी करने से तो रहा। तुमने फिर कोई नया बिजनेस करने का सोच लिया? बीवी हो तो बिल्कुल तुम जैसी, मेरे कहने से पहले समझ गई तुम मुझे कितना जानती हो जानो। हाँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम यहाँ पर उस बिजनेस के लिए मुझसे पैसे मांगने आए हो। वाह 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 जानू, इसे कहते हैं अंडरस्टैंडिंग। जानू ज्यादा नहीं, सिर्फ 50,000 रुपया दे दो। 50 फूटी कौड़ियाँ भी नहीं दूंगी मैं तुम्हें नबील। नबील तुम पहले ही मेरे पापा के बहुत सारे पैसों को आग लगा चुके हो, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। अरे जानू ऐसा मत कहो, इस बार मैंने जो बिजनेस सोचा है इसमें मैं 1 महीने में करोड़पति बन जाऊंगा। बंद करो ये शेख चिल्ली के ख्वाब, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते नबील। खूबसूरत शट अप नबील, और चले जाओ यहाँ से इससे पहले कि मैं कोई चीज उठा के तुम्हारे सर पे मारूं। ओके ओके जानू, रिलैक्स रिलैक्स, इजी। क्या कर रहे हैं? ये गिन रहा था कि ये पूरे हैं या नहीं। महमूद साहब आपको शर्म आनी चाहिए, आप मियाँ बीवी की प्राइवेट गुफ्तगू सुन रहे थे इस उम्र में। अरे तो तुम दोनों कौन सा रोमांटिक बातें कर रहे थे, गालियाँ तो खा रहे थे तुम। गाली कब दी है उसने? तुम्हें फील नहीं हो रहा नबील, वरना असल में वो तुम्हें गालियाँ ही दे रही थी। वो जो मुझे असल में दे रही थी वो गालियाँ थी। हाँ जी महमूद साहब, अब मेरी भी जिद है, मैं आपको और खूबसूरत को अपने बलबूते पर काम करके दिखाऊंगा। मुझे तुम अपने बलबूते पे करके दिखाओगे, वो काम होगा। हाँ जी, अच्छा जी। बीवी से बिस्ती करा के। चल कोई नहीं पुत्र, अब इतनी बदतमीज औरत से शादी की है तो भुगत। माँ जी अगर मुझे आपका ख्याल ना होता तो कब का उसे तलाक दे चुका होता। हाँ ना माँ जी, वरना मेरे साथ ही आप लोगों को भी घर से निकाल देगी ना। हाय पुत्र, तो फिर तू कुछ करता क्यों नहीं मेरे लिए है? और माँ जी आपके लिए तो इतना कुछ सोच रहा हूँ कि कोई नया बिजनेस शुरू करूँ, अपनी माँ के कदमों में दौलत का ढेर लगा दूँ, ढेर। हाँ माँ जी, लेकिन खूबसूरत ने मुझे 50,000 रुपया देने से इनकार कर दिया जो मैं कारोबार के लिए मांग रहा था उससे। 50,000? हाँ माँ जी, खुद सोचिए, जरा सोचिए, 50,000 रुपया लगा के हम करोड़ों पति बन सकते थे। और तू लानत भेज कीला पे, 50,000 तुझे मैं लाके देती हूँ, मगर एक बात है, प्रॉफिट में ना हम दोनों का आधा आधा वो होगा। वो क्या? वही जो गाय में होता है ना पुत्र, गोश्त। नहीं, वो जो गोश्त का होता है सालन, और वो जो गाय के साथ होते हैं गाय के बच्चे। और नहीं पुत्र, वो जो बकरीद में गाय का करते हैं ना चेकअप। ओफ माँ जी क्या हो गया आपको, आज आप उफ कर रही है? हाँ आज स्क्रिप्ट में ना मेरे हिस्से में आया था ये। हाँ, हिस्सा प्रॉफिट में हम दोनों का आधा आधा हिस्सा होगा। मंजूर है माँ जी? नहीं, मंजूर नहीं, सिर्फ मैं और तू है इस बिजनेस में। ठीक है माँ जी, आप जल्दी से पैसे लेकर आए, फिर देखे मैं करता क्या हूँ। बस तू देख, अभी लाई मैं लाए पैसे। अरे माँ जी सही नोट लाइएगा, ईद मुबारक वाले नोट ना ले आइएगा। महमूद साहब ये आप सब्जियाँ क्यों काट रहे हैं? माँ जी का है। वो अंदर कमरे में ख्याली पुलाव पका रही है। ख्याली पुलाव? हाँ, पता नहीं क्या अजीब सी बहकी बहकी सी बातें कर रही है। मैं सोने के पहाड़ खरीदूंगी, मैं सोने की कानें खरीदूंगी। महमूद साहब माँ जी को सोने से दूर रखा करें। अरे हर वक्त तो सोती रहती है, दूर कैसे रखो? महमूद साहब मैं अपने सोने की बात कर रही हूँ। अरे तुम सो जाओ भाई, तुम्हें कौन सा वो डिस्टर्ब करेगी, नींद तो मेरी खराब होगी ना। क्या हुआ? कुछ नहीं यार, नबील का है। भाई तुमसे बेइज्जत होने के बाद से लेकर अब मैंने उसे घर में नहीं देखा। क्या? हाँ काफी गुस्से में निकला था कमरे से। निकला नहीं था महमूद साहब, मैंने निकाला था। किस बात पे? अरे बात क्या होनी है महमूद साहब, फिर एक नए कारोबार का आइडिया लेके मेरे पास आ गया था। अच्छा। हाँ मुझसे 50,000 रुपए मांग रहा था, मैंने साफ इनकार कर दिया। बिल्कुल ठीक किया है तुमने खूबसूरत। अरे कारोबार वारोबार नहीं करना उस आदमी ने, उसे पता क्या करना था, इस पैसे से जाकर और छोटी छोटी सी टुंडी टुंडी सी टी-शर्ट्स खरीद लेनी थी और पहननी थी। तो तंग आ गई उस आदमी से महमूद साहब। वो जो तुम उस आदमी से आ गई हो वो तंग है जी। अच्छा जी। आदिल माँ जी, पुत्र क्या हुआ है? ओ माँ जी, ये देखे जी, इतनी जल्दी इतना सारा प्रॉफिट हो गया है? और ये तो सब मेरे लिए लाया है ना पुत्र? ओ माँ जी, ये मैं सब बेचूंगा। ओ माँ जी, हमने इन जेवरात पे सोने का पानी चढ़ाकर इन्हें बाजार में बेचना है। ओ पुत्र, इन पर सोने का पानी चढ़ाएंगे तो सोना क्यों पिएगा है? ओ माँ जी आए, आए। ओए 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 घर में कुत्ते, शर्म नहीं आती तुझे? यार मुझे छुपा लो यार, मेरे पीछे पुलिस पड़ी हुई है ना। पुलिस तेरे पीछे क्यों लगी है? और तू पुलिस वालों की सीढ़ी लगे भागा है? यार मैं वो तुम्हें सब बाद में बताऊंगा। अगर पुलिस ने मुझे पकड़ लिया छूट तो मैं वहाँ भी जाऊंगा रिश्वत देकर। और इससे बेहतर ये है कि तुम लोगों को मैं पैसे दे दूं और तुम लोग मुझे छुपा दो। देखा माँ जी, अभी कारोबार शुरू हुआ नहीं, पैसे आने शुरू हो गए। हाँ पुत्र, इसका मतलब है मेरे 1.5 लाख रुपए ना तेरे लिए लकी साबित हुए। ओ माँ जी, कोई 1.5 लाख नहीं है यार, आपने 50,000 दिया है। हाँ मुझे याद है, मैं तो सिर्फ चेक कर रही थी कि तुझे भूल तो नहीं गया कहीं। ओ यार आप भी ना माँ जी। ओ यार ये बातें तुम दोनों बाद में कर लेना, पहले मुझे तो कहीं छुपा दो। हाँ तो हम अपनी आँखें बंद करते है ना, तू जहाँ मर्जी छुप जा जाके। 1 2 3। ओ माँ जी, हमारे साथ छुपन छुपाई नहीं खेल रहा, इसके पीछे पुलिस लगी हुई है। अंदर लेके चलो 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 चलो, ठहरो, चलो 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 चलो। उधर देखो, इसको करके ना। उधर अब ये छुप गया, अब किसी को नहीं नजर आएगा। ओ माँ जी, इस तरह तो ये और ज्यादा दिखाई दे रहा है। अब मुझे माफ कर दो यार, ऐसे तो मैं घुट घुट के मर दूंगा, मुझे नहीं छुपना यार। ये कौन है? जानू, ये माँ जी। माँ जी, मैं इस आदमी की बात कर रही हूँ। पुत्र, ये तेरा शोहर है आदिल। नबील माँ जी, नबील। हाँ, ये नबील का शोहर है आदिल। नबील, मैं इस आदमी की बात कर रही हूँ, ये कौन है? ये जानू, ये मेरा बड़ा पुराना दोस्त है। क्या नाम है तेरा भाई? अमानत। हाँ जानू, ये मेरा दोस्त है अमानत। अमानत यहाँ क्या कर रहा है? पुलिस से छुप रहा है ना। जानू, ये मेरा बिजनेस पार्टनर है, मैं इसके साथ बिजनेस शुरू कर रहा हूँ। तूने तो मेरे साथ बिजनेस शुरू करना था। माँ जी, समझा करें यार। ओए, मुझे कुछ नहीं समझना, मेरे 1.5 लाख रुपए वापस कर। 50,000 माँ जी। 50,000 तो उस वक्त थे, तूने मुझे धोखा दिया है ना, मैं 1.5 लाख रुपए लूंगी। नबील, तुमने जो भी बिजनेस करना है ना, जिसके साथ भी करना है, इस घर से बाहर रह के करो। ओके जानू, चल यार लॉन में बैठ के डिस्कस कर लेते हैं। आए माँ जी। ओए, पैसे निकाल मेरे पहले। ओ माँ जी, चले तो सही। ओ माँ जी, ओ माँ जी, ओ माँ जी, चलो 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 चलो। यार यहाँ मुझे क्यों ले आए हो? यहाँ तो किसी वक्त भी पुलिस का छापा पड़ सकता है। और यार तू टेंशन मत ले, मैंने भट्ट साहब को फोन किया था, वो छुट्टी पर गए हुए हैं। हमारे घर में भट्ट साहब के अलावा और कोई पुलिस वाला नहीं आता। क्यों माँ जी? बेशक। अब ये बता मेरे फाजिल दोस्त कि पुलिस तेरे पीछे क्यों पड़ी? अबे कुछ नहीं यार, छोटा सा फ्रॉड किया था, नकली ज्वेलरी पर सोने का पानी चढ़ा के बेचता था, बस इतनी सी बात पे पुलिस मेरे पीछे पड़ गई यार। मुबारक हो माँ जी। क्या हुआ पुत्र? ओ माँ जी, यही तो अजीम आदमी है जिसकी खबर पढ़ के मेरे दिमाग में इस बिजनेस का आइडिया आया। ओ कैसा बिजनेस भाई? ऐ मेरे दोस्त, बल्कि ऐ मेरे फाजिल दोस्त, अगर तू चाहता है कि हम तुझे बचाएं और इस घर में पना दें, तो तुझे हमारी मदद करनी होगी। कैसी मदद? या अल्लाह मदद। बहुत सारे जेवरात मैं ले आया हूँ, अब तूने हमें सोने का पानी बनाने का फार्मूला बताना है। हाँ जी, ताकि हम भी तेरी तरह ना करोड़पति बन सके। ठीक है भाई, लो पेन और कागज। और तू कागज और पेन से सोने का पानी बना के दिखाएगा हमें है? और नहीं बे, मैं सोने का पानी बनाने की तरकीब लिखाऊंगा। वो जो तरकीब तू हमें लिखवाएगा वो सोने के पानी की होगी। हाँ जी। और माँ जी, जल्दी से जाएं, पेपर और पेन लेकर आए। हाँ भाई, चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। खूबसूरत, अरे ये तो वही लड़का है। कौन लड़का? अरे जिसको रात मैंने खबरों में देखा है। खबरों में? हाँ। अरे ये तो बहुत बड़ा फ्रॉडिया है, इसको गिरफ्तार करवाने पे हुकूमत ने 2 लाख रुपए का इनाम देने का कहा है। क्या? हाँ हाँ। तो महमूद साहब चले ना, पुलिस को फोन करके इसको पकड़वाते हैं और 2 लाख रुपए घर बैठे बुलाते हैं। हाँ। आटा मिलाओ मिलाओ मिलाओ। हाँ हेलो भट्ट साहब, वो जो आपने ज्वेलरी वाले की खबर चलाई थी ना, वो बंदा हमारे लॉन में बैठा है, आप आके गिरफ्तार कर ले। इनाम की रकम का भी तो पूछो। अच्छा हाँ, वो जो इनाम की रकम है। अच्छा क्या हुआ? भट्ट साहब कह रहे हैं कि वो खबर हमने इसलिए चलाई थी ताकि आप जैसे लोग लालच में आकर उसको पकड़वा दें। शाबाश, रुकना नहीं है वरना सारी मेहनत रायगा चली जाएगी। शाबाश। ये हम सोने का पानी बना रहे हैं कि हलीम बना रहे हैं? ओ माँ जी, बना तो सोने का पानी रहे हैं, बन गया तो ठीक है वरना हलीम पका लेंगे। हा? और जा बड़े मुंह वाला, देख बाहर कौन है यार। क्या? हाँ हाँ देख देख। अच्छा देखता हूँ। कौन? पुलिस। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? ओ भट्ट साहब, आप तो छुट्टी में गए हुए थे। अब हम लोग हलीम बना रहे हैं। हलीम हलीम नहीं नहीं, हम ना सोने का पानी बना रहे हैं, आप पियेंगे क्या? बाजी। अच्छा तो तुम लोग बुलबुले की आड़ में फ्रॉड कर रहे हो? है? अभी गिरफ्तार करता हूँ तुम लोगों को। ओ भट्ट साहब क्या हो गया आपको? घोटा तो पूरा लगाने देना यार। बेटा अब घोटा छोड़ो, अब चक्की पीसना, वो भी जेल में।